नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी इस YouTube चैनल हिंदी वाले मार्शा पर। साथियों, आज हम अविकारी या अव्य शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि स्कूली शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये कक्षा 10 और 11 के लिए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये काम में आने लायक चीज़ें हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। परिभाषा में लिखा है कि ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष इत्यादि में परिवर्तन होने पर भी, किन किन चीज़ों में परिवर्तन होने पर, लिंग में परिवर्तन हो जाए, वचन में लिंग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाए, वचन एक वचन बहुवचन कारक बदल जाए या काल बदल जाए या पुरुष बदल जाए, चाहे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष या कारक, काल में जैसे हम बात करें कि भूतकाल, वर्तमान या भविष्य, इनमें परिवर्तन हो जाए तो भी ये जो शब्द हैं ये अपरिवर्तित रहते हैं, इन्हें ही अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। दूसरी परिभाषा लिखी है, ऐसे शब्द जो सभी लिंगों, वचनों और पुरुषों में एक समान रहते हैं वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर घोड़ा एक वचन है और पुल्लिंग है, तो घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरा शब्द लिखा है घोड़ी तेज दौड़ती है, यहाँ पर क्या हुआ, लिंग चेंज हो गया और यहाँ पर वचन चेंज हो जाता है, बदल जाता है कि घोड़े तेज दौड़ते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन सभी में ये जो तेज शब्द था वह नहीं बदला, तो इसलिए यहाँ पर ये तेज शब्द क्या हो जाएगा, ये अविकारी या अव्यय शब्द माना जाएगा। अब बात करते हैं अविकारी या अव्यय शब्दों के भेद कितने होते हैं, तो ये कुल मिलाकर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुचय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा है निपात अव्यय। पहला देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय में क्या है कि ऐसे अव्यय शब्द जो, अव्यय का मतलब जो खर्च न हो, खर्च होने का मतलब यहाँ पर है परिवर्तित न हो, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर, मतलब क्रिया शब्द से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं। और आप जानते हैं इस बात को कि किसी की विशेषता को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसकी अर्थात क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे लता धीरे धीरे चलती है, अब आप लता की जगह लड़का धीरे धीरे चलता है, गाय धीरे धीरे चलती है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, कोई भी शब्द यहाँ पर काम में ले सकते हैं। लेकिन ये जो धीरे धीरे शब्द था वह नहीं बदलेगा। अगला है वह थोड़ा ही चल सका, वह थोड़ा ही चल सकी, वे थोड़ा ही चल सके, वे ऊपर रहते हैं, वह ऊपर रहता है, वे शाम की गाड़ी से आ रहे हैं, वह शाम की गाड़ी से आ रहा है, रमेश शाम की गाड़ी से आ रहा है, तो ये परिवर्तित नहीं होंगे। जिनको रेखांकित किया गया है अर्थात अंडरलाइन किया गया है, अतः ये अव्यय शब्द तो है ही है। अव्यय का भेद देखा जाए तो क्रिया विशेषण अव्यय है। अब आता है संबंध बोधक अव्यय, इसमें है कि ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता प्रकट नहीं करते अपितु वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे दूसरा पहचान के लिए देखिएगा आप कि पहचान के लिए ऐसे अव्यय शब्द जो किसी कारक चिन्ह के साथ मुख्यतः का के की वाक्य में कारक चिन्ह के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, और कारक चिन्ह कौन कौन से मुख्यतः है, का के की अथवा संज्ञा के विकृत रूप के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे, तो यहाँ पर घर के बाहर, बाहर शब्द नहीं बदलेगा, अस्पताल के बाहर कुछ लोग खड़े थे, स्कूल के बाहर कुछ लोग खड़े होंगे, गाँव के समीप एक सुंदर बगीचा है, घर के अंदर एक मंदिर है और चोर चौराहे तक पैदल गया। यहाँ पर मूल शब्द क्या होता है, चौराहा होता है, लेकिन संज्ञा का विकृत रूप आने से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय माना जाएगा। अगला प्रश्न है विस्मयादि बोधक अव्यय, इसमें ऐसे अव्यय शब्द जिनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं होता लेकिन जो वक्ता अथवा लेखक के हर्ष, शोक, विषाद, घृणा, तिरस्कार, खुशी,
संबोधन, स्वीकृति, अनुमोदन इत्यादि मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादिबोध कव्य कहलाते हैं। आहा, हम मैच जीत गए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे रमेश यहाँ आओ, संबोधन किया हमने, छी तुम इतना भी गिर सकते हो, यह मैं सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, मैं जरूर आऊँगा, हाँ तुम जा सकते हो। तो इस प्रकार से यदि वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, विषाद, घृणा, तिरस्कार, खुशी, संबोधन, स्वीकृति या अनुमोदन से संबंधित मनोभाव जहाँ प्रकट होते हैं, वहाँ पर विस्मयादिबोधक अव्यय माना जाता है। अंतिम और पांचवा है निपात अव्यय। तो निपात में, निपात भी एक तरह का अव्यय शब्द ही होता है, अर्थात ऐसे शब्द जो वाक्य में जिस शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं उसी के अर्थ को प्रभावित करते हैं, वे निपात अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैं भी जयपुर जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं के साथ भी शब्द लगा है, तो मैं पर जोर है कि मैं भी, मतलब 10 आदमी और जा रहे हैं लेकिन मैं भी जयपुर जाऊंगा। अगले में देखिएगा क्या लिखा है कि मैं जयपुर भी जाऊंगा। अब एक आदमी है जो, अब यहाँ पर भी शब्द किसके साथ जुड़ गया, जयपुर के साथ। आपने यहाँ देखा है कि जिस शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर मैं कह रहा है कि और 10 लोग जयपुर जा रहे हैं लेकिन मैं भी जाऊँगा, यहाँ मैं कह रहा है कि मैं और 10 शहरों में जाऊँगा लेकिन मैं जयपुर भी जाऊँगा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है कि राम तो दिल्ली जाएगा, कि राम जो है वह दिल्ली जाएगा। और दूसरे वाक्य में लिखा है राम दिल्ली तो जाएगा, कि और कहीं भी जाए, वो भुवनेश्वर जाए, भोपाल जाए, इंदौर जाए, कटक जाए, कहीं भी जाए लेकिन वह दिल्ली तो जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये निपात अव्यय कहलाते हैं। साथियों, हम थे आपके साथी अभिनव सरोवा, हिंदी विषय से व्याख्याता, और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन पर संपर्क करके किसी भी बात की तसल्ली कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।